गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर EVS क्लास। ओपन पेज नंबर 39, लेसन नंबर 7, शेयरिंग एंड केयरिंग। टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट डेफ एंड म्यूट। सम पीपल आर अनेबल टू हियर सॉफ्ट साउंड। कुछ लोग होते हैं जो अनेबल होते हैं, सॉफ्ट साउंड उनको नहीं सुनाई देता। देयर आर ऑल्सो सम पीपल हु कैन नॉट हियर एट ऑल। और यहाँ पे कुछ और भी लोग होते हैं जिनको बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। दे आर डेफ, उन्हें बोला जाता है डेफ। दे डू नॉट स्पीक वेरी क्लियरली एज दे डू नॉट हियर साउंड्स वेल। वो बहुत क्लियरली नहीं बोल पाते बिकॉज उन्हें साउंड्स सुनाई नहीं देते। पीपल हु आर डेफ यूज अ साइन लैंग्वेज। जो लोग डेफ होते हैं वो लोग साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। साइन लैंग्वेज आपने देखा है कि उनको इशारे किया जाता है और समझाया जाता है कि हम उन्हें क्या कहना चाहते हैं, एंड इन रिस्पॉन्ड दे ऑल्सो यूज साइन लैंग्वेज। दे लर्न टू रीड द लिप्स ऑफ द पीपल टॉकिंग एंड गेस वॉट दे आर सेइंग। इवन वो क्या करते हैं कि वो जो भी उनसे बात करना चाहता है उनके लिप्स को रीड करते हैं और गेस करते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है। दिस इज नोन एज लिप रीडिंग, इसे बोला जाता है लिप रीडिंग। दे लिप रीड अलॉन्ग विद अ स्पेशल लैंग्वेज ऑफ साइंस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड स्पीच। और वो लिप रीड भी कर लेते हैं स्पेशल लैंग्वेज ऑफ साइंस के साथ साथ, ताकि जो भी उनके साथ बात करी जा रही है ताकि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके। यू कुड हेल्प देम बाई टॉकिंग स्लोली एंड क्लियरली। अगर आपको कभी ऐसा कोई मिलता है तो आप उनके साथ स्लोली और क्लियरली बात कर सकते हो ताकि वो आपकी लिप को रीड कर सके। बी श्योर टू लुक एट द पर्सन वाइल टॉकिंग। और आपको उनकी तरफ देखते रहना होगा जब आप उनसे बात कर रहे हो। एंड ईयर नोज एंड थ्रोट स्पेशलिस्ट इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम्स ऑफ द ईयर। जो ईयर नोज और थ्रोट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो वो डॉक्टर होते हैं, वो उनकी ईयर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इन डॉक्टर्स को ENT स्पेशलिस्ट भी बोला जाता है। डिड यू नो एन ऑप्थमोलॉजिस्ट इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम ऑफ द आईज। जो ऑप्थमोलॉजिस्ट होते हैं वो डॉक्टर होते हैं जो हमारी आई से रिलेटेड प्रॉब्लम को ट्रीट करते हैं। Did you know sometimes old people have cataract and are unable to see well? The cataract is removed by an operation. कि कभी कभी जो old people होते हैं उनको cataract की problem होती है eyes में, तो जिससे कि वो अच्छे से देख नहीं पाते, तो operation से cataract को remove किया जाता है। Physically challenged people who cannot use their arms, legs and bodies to do normal things are physically challenged. वो people जो लोग अपने arms, legs और bodies को normal things के लिए भी use नहीं कर पाते, उन्हें बोला जाता है physically challenged. We could help such people by donating wheelchairs, crutches or artificial limbs. हम इन लोगों की help कर सकते हैं डोनेट करके व्हीलचेयर्स, क्रचेस और आर्टिफिशियल लिम्स। स्पेशल नीड्स पीपल, सम पीपल हैव स्लो मेंटल ग्रोथ एंड कैन नॉट डू नॉर्मल एक्टिविटीज एज वी कैन। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो मेंटल ग्रोथ होता है वो काफ़ी स्लो होता है और वो नॉर्मल जो एक्टिविटीज हम लोग करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो लोग वो काम भी नहीं कर पाते। Such people are known as special people and need to be specially cared for. इन लोगों को special people बोला जाता है और इन लोगों की specially care होनी चाहिए। Elderly people, as people get old, their bodies might get weak and they may suffer from poor health. जैसे ऐसे लोग old हो जाते हैं, उनकी bodies weak बन जाती है और वो suffer करते हैं poor health से।
एज अ रिजल्ट दे ओफन टेंड टू डू थिंग्स स्लोली. और इसी का रिजल्ट क्या होता है कि वो जितने भी उनके डे टू डे लाइफ के काम होते हैं वो उसमें उनकी स्पीड क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है, और वो धीरे धीरे सब काम करते हैं. वी मस्ट रिमेंबर टू बी पेशेंट एंड ट्राई टू हेल्प देम विद देयर डे टू डे एक्टिविटीज़. और अगर ऐसा आपके घर में भी कोई एल्डरली पीपल हैं, ऐसे एल्डरली पीपल भी हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उनके साथ पेशेंट हो जाना चाहिए. क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी अब वीक हो चुकी है पहले से, और उनको हमें हेल्प करना चाहिए उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ करने में. दे माइट ऑल्सो फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू हीयर नॉर्मल साउंड. कभी कभी उनको डिफ़िकल्टी होती है नॉर्मल साउंड सुनने में भी. दे कुड यूज़ अ हियरिंग एड डैट इज़ फिटेड इन द ईयर. और वो हियरिंग एड को भी यूज़ कर सकते हैं जो ईयर में फिट किया जाता है. एट टाइम्स सम एल्डरली पीपल कैनॉट लिव विद देयर फैमिलीज़. और कभी कभी जो एल्डरली पीपल होते हैं वो अपनी फैमिलीज़ के साथ नहीं रह पाते. सच पीपल यूजली स्टे इन ओल्ड एज होम्स. और ऐसे लोग हमेशा ओल्ड एज होम में रहते हैं. दे आर लुकड आफ्टर बाई नर्सेज. हाउएवर वी मस्ट ट्राई एंड विजिट सच प्लेसेज एंड स्पेंड टाइम विद देम टू. और उनको उनका ध्यान कौन रखता है? नर्सेज उनका ध्यान रखती है. और इसीलिए हमें ऐसी जगहों पे जाते रहना चाहिए उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स, हैव यू अंडरस्टूड? नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज. थिंग्स यू नो, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वन इज अ नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग इज नोन एज अ. एक नेचुरल एबिलिटी किसी भी काम को करने के लिए उसे क्या बोला जाता है? टैलेंट. राइट डाउन टैलेंट. सेकंड वन इज अ सिस्टम ऑफ राइटिंग इन द फॉर्म ऑफ रेस्ड डॉट्स इज कॉल्ड. एक सिस्टम है राइटिंग का जिसमें रेस्ड डॉट्स यूज किए जाते हैं, उसे बोला जाता है ब्रेलेज. राइट डाउन ब्रेलेज. थर्ड वन इज द डेफ लर्न अ स्पेशल डैश लैंग्वेज. जो डेफ होते हैं जिन्हें सुनाई नहीं देता तो कौन सी स्पेशल लैंग्वेज यूज करते हैं? साइन लैंग्वेज. फोर्थ वन इज द विजुअली इम्पेयर्ड यूज अ वाइट डैश. जो विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं वो क्या यूज करते हैं? वाइट केन. फिफ्थ वन इज एन डैश इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम ऑफ द आई. आईज की प्रॉब्लम को कौन से डॉक्टर ठीक करते हैं? ऑप्थमोलॉजिस्ट. सो राइट डाउन ऑप्थमोलॉजिस्ट. नाउ बी पार्ट राइट वेदर दिस स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. जो ये आपको स्टेटमेंट्स दी हैं ये ट्रू है या फॉल्स है? फर्स्ट वन इज ओल्ड पीपल डू थिंग्स वेरी क्विकली. जो ओल्ड पीपल होते हैं वो अपने सभी काम बहुत जल्दी करते हैं. नो, क्योंकि वो ओल्ड और वीक हो चुके होते हैं तो वो अपने काम को बहुत स्लोली करते हैं. सो यू हैव टू राइट डाउन फॉल्स. सेकेंड वन इज एन ENT स्पेशलिस्ट इज अ डॉक्टर हु ट्रीट्स प्रॉब्लम ऑफ ईयर्स. येस इट इज ट्रू. जो ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो हमारी ईयर से रिलेटेड प्रॉब्लम को ठीक करते हैं. थर्ड वन इज द डेफ रीड द लिप्स ऑफ द पीपल व्हेन दे स्पीक. जो डेफ होते हैं वो उनके साथ बात करने वाले लोगों की लिप रीडिंग करते हैं. येस इट इज ट्रू. सो राइट डाउन ट्रू. फोर्थ वन इज द विजुअली इम्पेयर्ड पीपल स्टे इन ओल्ड एज होम. जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग होते हैं वो क्या ओल्ड एज होम में रहते हैं? नो. सो यू हैव टू राइट डाउन फॉल्स. फिफ्थ वन इज कैटरैक्ट इज रिमूव्ड बाय एन ऑपरेशन. जो कैटरैक्ट होता है उसे एक ऑपरेशन से रिमूव किया जाता है. येस इट इज ट्रू. सो राइट डाउन ट्रू.
So students, today we have completed part A and B of this chapter. Complete it properly and learn it. Thank you students. Goodbye.